आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। श्रोतागण दर्शकगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। हमको बड़ा आनंद आ रहा है कि हमको ऐसे आत्मविज्ञानी, ऐसे अनुभवी जो कि आत्मा से सीधा अनुभव प्राप्त करके हमको परोस रहे हैं, तो हमारा जितना ज्ञान तिमिर है वह हट करके उसकी जगह हमें ज्ञान सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, हमारा जीवन धन्य हो रहा है। इसी कारण स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रोतागण, अब हम ये एपिसोड, अभी तक हमने जीवनोपयोगी बातें कही, हम ये एपिसोड ज्ञान को समर्पित करते हैं, थोड़ा ठोस ज्ञान लेते हैं। स्वामी जी, आपके इस अध्यात्म विज्ञान में आप बताते हैं कि चेतना के तीन स्तर होते हैं। चेतना तो वही है, पर आपने तीन स्तर बताए। पहला जीवात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। कृपया इसका खुलासा कीजिए ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सके। ये पूरा एपिसोड हम ज्ञान की बात करेंगे। धन्यवाद आपके प्रश्न से। प्रश्न ये है आपका कि ये आत्मा की जो तीन अवस्था बताई आपने, वो तीन अवस्था क्या है? अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, या तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन अवस्था क्या है? तो ये तीन अवस्था का मतलब होता है हर तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं, और जो अवस्था हम महसूस कर रहे हैं मगर हर अवस्था को हम अलग अलग जानते नहीं हैं, सिर्फ महसूस तो कर रहे हैं मगर जानते नहीं, क्योंकि तीन अवस्था है वो भी आम आदमी को मालूम नहीं है। तो मैं आज यही तीन अवस्था को किस प्रकार से वो काम करती है वो मैं आपको बताने की इस आध्यात्म विज्ञान के जरिए मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहली बात है कि बहिरात्मा का मतलब क्या है। बहिरात्मा का मतलब होता है जो ये दिखता है मन वचन काया रूप, वो बहिरात्मा है। क्या है? बहिरात्मा। वो आत्मा क्यों है वो भी मैं बताऊँगा। दूसरा है अंतरात्मा। अंतरात्मा का मतलब होता है जो अंदर प्रक्रिया होती है समझने की, जानने की, अनुभव करने की, वो अंतरात्मा है। और तीसरा है मूल आत्मा, जो हर अवस्था को ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, ये उनका स्वभाव है। मूल आत्मा, मूल आत्मा वो स्व पर प्रकाशक है। अंतरात्मा है वो कोई भी प्रकार का, जैसा जिस उनके पास ज्ञान दर्शन है वैसा उनका उपयोग है। तो और तीसरा है बहिरात्मा, जो ये मन वचन काया है वो। तो ज्ञानी कहते हैं ये तीन अवस्थाएं, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। तो ज्ञानी कहते हैं ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है, ये प्रतिष्ठित आत्मा जब तक मैं शरीर हूँ ऐसा मानते हैं, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ ऐसा मानता है, और शरीर से जो भुगतान होता है वो मैं भुगतान करता हूँ ऐसा वो प्रतिष्ठित आत्मा मानता है, वहाँ तक वो बहिर्मुखी है। इसका मुख कहाँ है? बाहर। और यही बहिर्मुखी के कारण इसको राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान माया रूप होते हैं, और इसी को कहते हैं अज्ञान, और इसी अज्ञान से कर्म बनते हैं, और कर्म से ही कर्मफल मिलता है। तो ये बहिर्मुखी आत्मा है, वो संसार को बढ़ाने में, संसार को चलाने में सहायक है, बहिरात्मा दृष्टि। दूसरी दृष्टि अंतरात्म दृष्टि, अंतर्मुखी दृष्टि या अंतरात्म दृष्टि। तो प्रतिष्ठित आत्मा जब ये मानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ मगर मैं आत्मा हूँ और स्वयं संचालित हूँ, मेरे को चलाने वाला कोई नहीं है। और तीसरा और मुख्य कारण, ये जो शरीर है
वो तो कुदरत के कानून से चलता है, बनाया हुआ भी कुदरत ने, क्रिएटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर तीनों शरीर के कौन है? कुदरत है। आत्मा का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत नहीं है। तो ये अंतरात्मा दृष्टि से, अंतरात्मक दृष्टि से धीरे धीरे बहिर्मुखी आत्मा की जो दृष्टि है वो धीरे धीरे नष्ट होती है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ और मैं शरीर से भुगतान होते हैं उसका भुगतान करने वाला हूँ। ये तीनों दृष्टि धीरे धीरे ये अंतर्मुखी दृष्टि से, आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से नष्ट हो जाता है। और जैसे जैसे अज्ञान खत्म होगा वैसे वैसे राग द्वेष खत्म होगा, वैसे वैसे क्रोध मान माया लोभ भी खत्म होगा। और राग द्वेष और क्रोध मान माया लोभ खत्म होगा तो कर्म भी नहीं बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे तो कर्म फल भी नहीं मिलेंगे। तो कर्म फल नहीं है तो जन्म मरण का चक्कर भी चालू नहीं रहेगा, और उसी का नाम है मोक्ष या तो मुक्ति। तो कहने का मतलब यह है, यह अध्यात्म विज्ञान जो बहिर्मुखी दृष्टि है इसको अंतर्मुखी बनाने में, जो दैहिक दृष्टि है जो देहाद्यास की दृष्टि से, इसको मिटाने के लिए, इसको मोड़ देने के लिए अंतर्मुखी दृष्टि, अंतरात्म दृष्टि बहुत आवश्यक है। और अंतरात्म दृष्टि है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और बहिर्मुखी दृष्टि है वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है। तो दोनों का एंगल अलग अलग है। तो हमको ये समझना है कि आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने आपको साफ समझाने की कोशिश किया कि जहाँ तक हमारी दृष्टि में अज्ञान है वहाँ तक हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, वहाँ तक हमारी दृष्टि से कर्म बनेगा और कर्म से कर्म फल मिलेगा, यानी जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। जब हमारी दृष्टि में परिवर्तन होगा तो और बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएगी, तब राग द्वेष अज्ञान मिटेगा, राग द्वेष नहीं होगा, कसाय नहीं होगा, कर्म नहीं बनेंगे और जन्म मरण के चक्कर समाप्त हो जाएंगे, और यही मुक्ति का मार्ग है। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान है वो व्यक्ति को बहिर्मुखी में से अंतर्मुखी बनाता है, और व्यवहार सत्य से सनातन सत्य की ओर ले जाता है, और अज्ञान को मिटा के वैज्ञानिक दृष्टि बनाता है। और यही वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक विजन से आदमी की जो दृष्टि है, सोच है, विजन है, वो इतना बड़ा बन जाता है कि दुनिया का हर अज्ञान वो यही दृष्टि से डिसॉल्व कर सकता है। आम तौर से आम इंसान पजल में डिसॉल्व हो जाता है, मगर ये आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, ये सनातन सत्य की दृष्टि से वो पजल को ही डिसॉल्व कर सकता है और अपने आप वो स्वभाव साहजिक और स्वस्थ बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से बहिर्मुखी और अंतर्मुखी और परमात्मा जो है इसमें कॉमन है, जो स्व पर प्रकाशक है, तो इसी प्रकार से ये तीनों का रोल इस प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये आध्यात्म विज्ञान समझने में, ये अंतरात्मा बहिरात्मा और परमात्मा, ये तीनों बात समझने में आपको सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, खुलासा करने के कारण, हमारी समझ को खुला करने के कारण श्रोतागण आपके बहुत कृतज्ञ हैं। अब सामान्य रूप से बहिरात्मा जन्म जन्मांतर तक जो है घूमती रहती है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, कर्मों का बंद, और 84 लाख के चक्कर में घूमती रहती है। और ऐसा कहा जाता है जब भाग्योदय होता है, जब पुण्योदय होता है, तब ज्ञानी मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के बाद वह बहिरात्मा से अंतरात्मा की स्टेज पर आता है। तो हम ऐसा ज्ञानी कहाँ से लाएं, कैसे ढूंढें उस ज्ञानी को कि हमको वो ज्ञान दे, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो बहिरात्मा है, अब हमको मुझे अंतरात्मा बनना है, यानी ज्ञान को प्राप्त करना है, और मेरा मूल स्वरूप जो आपने बताया कॉमन है, परमात्मा मुझे बनना है, तो मुझे कुछ विधि बताइए
वो ज्ञान दीजिए कि मैं जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा बन करके और मेरे मूल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकूं, ऐसी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बहुत गहन प्रश्न है, आप इसको गहनता से बताइए। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि यह संसार का अधिष्ठान क्या है जिससे यह संसार में जीवंतता लगती है? ज्ञान है, भुगतान है, भौतिक चीजों का सर्जन है, विसर्जन है, प्राप्ति है, लाभ है, नुकसान है, ये सब चीजों का अनुभव क्यों होता है, कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है? तो बिल्कुल निश्चिंतता से समझो, अगर आत्मा नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, अज्ञान नहीं है तो संसार की अनुभूति भी नहीं है। तो सबसे पहले आत्मा होना आवश्यक है, उसके बाद जैसा ज्ञान होगा वैसे ही आपको अनुभूति होगी। अगर लौकिक ज्ञान है तो लौकिक अनुभूति होगी, अलौकिक ज्ञान है तो अलौकिक अनुभूति होगी। तो अलौकिक ज्ञान को स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं और लौकिक ज्ञान को सामाजिक और धार्मिक ज्ञान कहते हैं, और जैसा ज्ञान वैसी आपको अनुभूति। तो जो आत्मा है, आत्मा की हाजिरी से ही ज्ञान और अज्ञान दोनों पैदा होते हैं, और आत्मा की हाजिरी से ही कर्म बनते हैं, और आत्मा की हाजिरी से ही कर्म की भुगतान है, क्योंकि भुगतान करने वाला भी वो भुगतान करते हैं, उसका अनुभव चाहिए ना इसको कि मेरे को सुख मिला, मेरे को दुख मिला। अगर वो आत्मा नहीं है तो कैसे होगा? जैसे हमारे घर के अंदर सेफ होता है, तिजोरी, जिसके अंदर हम पैसा और जवाहरात रखते हैं, तो अगर हमने तिजोरी के अंदर, सेफ के अंदर अगर 1 करोड़ रुपया रख दिया है तो क्या सेफ को खुशी हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। मगर सेफ जो तिजोरी है, सेफ होल्ड, इसका जो मालिक है, इसको आनंद होगा कि मेरे सेफ के अंदर 1 करोड़ रुपया पड़ा है। तो इसीलिए आत्मा नहीं है तो अनुभूति भी नहीं है, मगर आत्मा के साथ जैसा ज्ञान है वैसी अनुभूति। जड़ को कभी ज्ञान नहीं होता है तो जड़ को अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं है और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जड़ को ज्ञान नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान अज्ञान नहीं है तो कर्म भी नहीं है और कर्म का फल भी नहीं है। मगर आत्मा है तो ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, और ज्ञान अज्ञान है तो कर्म भी है, कर्म का फल भी है और अनुभूति भी है। तो ये समझो, बिना आत्मा कर्म और कर्म फल संभव नहीं है, बिना आत्मा अनुभव नहीं हो सकता है, बिना आत्मा भाव नहीं हो सकता है। तो ये पूरी सृष्टि का जो अनुभव है वो आत्मा की हाजिरी से ही होता है, क्योंकि ज्ञान उसका गुण है, और मगर ये ज्ञान आत्मा के अंदर जो है वो परमानेंट है, और अवस्था के रूप में जो अनुभव में आता है वो व्यवहार सत्य का ज्ञान है, और व्यवहार सत्य का ज्ञान का दूसरा नाम है अज्ञान, क्योंकि व्यवहार सत्य वो परिणाम के रूप में है, मगर हम मानते हैं व्यवहार सत्य में जो कुछ भुगतान होती है, जो कुछ संजोग मिलता है, उसमें मेरा तेरा होता है, मालिकीपन और कर्तापन होता है, और मालिक की और कर्तापन से फिर राग द्वेष होता है। आज मेरे को किसी ने कुछ दिया है तो मेरे को राग होता है, जब मेरी दिया हुआ चीज चली जाती है तो द्वेष होता है, व्यक्ति के ऊपर भी द्वेष होता है और चीज के हिसाब से भी राग द्वेष होता है। तो सबसे बड़ा कारण है मालिकीपन और कर्तापन, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये आपने किया, बस यही अज्ञानता से राग द्वेष होते हैं, यही अज्ञानता से जन्म मरण कर्म बनते हैं, और यही कर्म से जन्म मरण होता है। तो इसीलिए आत्मा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और आत्मा है तभी पुरुषार्थ है, आत्मा है तभी अनुभूति है, आत्मा है तभी कर्मों का सर्जन और विसर्जन है, आत्मा है तभी ज्ञान और दर्शन है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये
आत्मा का रोल क्या है, तीन अवस्था का क्या रोल है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आया होगा और आगे आगे भी बात करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञा स्वामी जी, बहुत समझ को खुला करने कारण, स्पष्टीकरण कारण। अब आपने प्रतिष्ठित आत्मा को कई बार बोला और जहां तक मैं समझता हूं कि प्रतिष्ठित आत्मा जड़ है और वो प्रतिष्ठित आत्मा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कषाय से जुड़ी हुई या बनी हुई है। तो जब इस प्रतिष्ठित आत्मा को मैंने मेरे दार्शनिक बंधुओं के बीच में रखा तो उन्होंने कहा, ये आत्मा शब्द क्यों यूज कर रहे हो आप, आत्मा तो चेतन होता है और आप कह रहे हो प्रतिष्ठित आत्मा एक नई परिभाषा है जो कि जड़ है। तो वो बड़े एक डायलमा यानी बड़े कंफ्यूजन के अंदर पड़ गए कि आप इसको स्पष्टीकरण करो और इसको और खुलासा करो। तो मैं आपसे खुलासा जानना चाहता हूं क्योंकि आत्मा शब्द आ गया और आत्मा हो जो चेतन है और प्रतिष्ठित आत्मा जड़ है। तो हम अपने श्रोताओं को या बहुत प्रबुद्ध लोग हैं दार्शनिक लोग हैं उसको कैसे स्पष्टीकरण करें, उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस बात में, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात है कि आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा दोनों शब्द प्रयोग है, वैसे तो तीन शब्द प्रयोग है, आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है और मैकेनिकल आत्मा है। बॉडी को मैकेनिकल बोलते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा को प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं और मूल आत्मा है उसको शुद्ध चेतन, मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और शुद्ध चेतन। मैकेनिकल चेतन का मतलब होता है मन वचन काया, जो उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, मगर जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक हम यही मानते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर को चलाने वाला हूँ और जो भुगतान होती है वो मैं ही करता हूँ। यानी वे मैकेनिकल आत्मा है, मूल आत्मा नहीं है, मगर लोग मानते हैं कि मैं हूँ, बस इसलिए उसको मैकेनिकल आत्मा बताया आध्यात्म की दृष्टि से। दूसरा है प्रतिष्ठित आत्मा, जो मैकेनिकल नहीं है, मैकेनिकल चेतन नहीं है, मिश्र चेतन है। यानी प्रतिष्ठित आत्मा न चेतन है न जड़ है, वो दोनों को दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है, आत्मा की शक्ति और भाव शक्ति, ये दोनों मिलके कर्म बनता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई भी भाव करता है अच्छा या बुरा, इसी दुनिया में जो प्योर मॉलिक्यूल्स यानी शुद्ध परमाणु हैं वो शक होते हैं, परमाणु तो जड़ है मगर वो शक होते हैं, और मेरे भाव के मुताबिक उसके ऊपर कोट लग जाता है और आत्मा की हाजिरी से आत्मा की शक्ति से वो चार्ज होता है, तो इसीलिए वो कर्म चार्ज हो गया, एक कर्म। तो कर्म चार्ज हो गया, अभी कुदरत इसको द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आधार से संजोग देके उसका रिजल्ट देगी, या तो विसर्जन करेगी या सर्जन विसर्जन, चार्ज का क्या करेंगी, डिस्चार्ज करेगी नेक्स्ट बर्थ में। तो प्रतिष्ठित आत्मा न जड़ है न चेतन है, शरीर अकेला जड़ है, प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन है जिसमें जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन है। परमाणु जड़ है, भाव मिश्र चेतन है और आत्मा शुद्ध चेतन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, इसलिए इसको मिश्र चेतन बताया, और मिश्र चेतन से ही कर्म बनते हैं। और जो आत्मा है वो शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन के अंदर न कर्म चार्ज करने की क्षमता है न कर्म को डिस्चार्ज करता है, मगर उनकी हाजिरी के बिना कर्म चार्ज भी नहीं होते हैं और डिस्चार्ज भी नहीं होते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा आत्मा की हाजिरी के बिना कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा आत्मा नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही नहीं होता है, और प्रतिष्ठित आत्मा और आत्मा की हाजिरी के बिना अगर शरीर का अस्तित्व है, इसको हम जड़ बोलते हैं या डेड बॉडी बोलते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो न सर्जन कर सकती है न विसर्जन कर सकती है। तो जब शरीर के अंदर आत्मा है वहाँ तक प्रतिष्ठित आत्मा हो सकता है, उसके अगर वो उसके अलावा वो नहीं हो सकता है। तो आत्मा की हाजिरी से शरीर की हाजिरी से अंदर आत्मा है, तभी ही प्रतिष्ठित आत्मा से पुरुषार्थ करते हैं, नया कर्म का सृजन करते हैं और नेक्स्ट बर्थ में
आत्मा की हाजिरी में और बॉडी के माध्यम से जो चार्ज किया है वो कुदरती रचना के अधीन, कुदरती कानून के अधीन डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार के चार्ज और डिस्चार्ज चलता रहता है और प्रतिष्ठित आत्मा न शरीर है, न जड़ है, न चेतन है। चेतन वो आत्मा है, जड़ वो शरीर है और प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन है, जो जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन है और वो उनके पास भाव करने की स्वतंत्रता है। या तो अज्ञान का भाव करूं, या विज्ञान का भाव करूं, या रिलेटिव सत्य का भाव करूं, या सनातन सत्य का भाव करूं, यानी कर्मों बांधने की, भाव करने की क्षमता स्वतंत्रता, पुरुषार्थ करने की क्षमता स्वतंत्रता सिर्फ प्रतिष्ठित आत्मा के पास है। वो जैसी प्रतिष्ठा करेंगे, प्रतिष्ठित आत्मा जैसी प्रतिष्ठा करेंगे वैसा ही कर्मफल मिले, कर्म बनेगा और कुदरत कर्म का फल देंगे। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है नए कर्मों की प्रतिष्ठा करने वाला, और वही प्रतिष्ठा के आधार से जो कॉजल बॉडी बनता है उसके मुताबिक कुदरत हमको इफेक्ट बॉडी देती है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे यूं जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है न चेतन है न जड़ है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मगर वो आंखों से या तो पांच इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है। ये प्रतिष्ठित आत्मा नए कर्म बांधने के लिए या तो संसार या मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ करने में का पुरुषार्थ करने का इसका ये रोल है। तो धीरे धीरे आगे आगे भी आपको ये सब बातें समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपने खुलासा करने के लिए कि प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन है, जड़ भी है और आत्म तत्व भी, इसलिए मिश्र चेतन है। अब मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ जो कि इन सब ज्ञान से जुड़ा हुआ है। मैं दादा भगवान की फिलॉसफी से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी भक्ति से बहुत ओतप्रोत हूँ, मैंने ज्ञान भी लिया है उनके सिस्टम्स के आधार पे। उसमें यह बताया गया है कि पांच आज्ञाई भगवान है, पांच आज्ञाई ईश्वर है, पांच आज्ञाई मोक्ष है, पांच आज्ञाई राम है, पांच आज्ञाई कृष्ण है, पांच आज्ञाई चौबीस शंकर है, पांच आज्ञाई सब कुछ है। बड़े संक्षेप रूप में उस फिलॉसफी में, उस ज्ञान में हमको बताया गया है कि आप पांच आज्ञा का जीवन भर बहुत सही तरीके से पालन करते रहो तो कुछ भवों में आप मुक्ति को प्राप्त कर रहे हो, बड़े सीधे सीधे तरीके से बताया गया है। तो क्या आप उन पांच आज्ञाओं से आपका आध्यात्म विज्ञान सहमत है, उनको मानता है? तो मानता है तो किस रूप में मानता है, हम अपने श्रोतागण को ये बात बताना चाहते हैं। सर धन्यवाद प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि जो पांच आज्ञा जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुख से जिज्ञासु मुमुक्षु और महात्माओं के पुरुषार्थ के लिए बताई गई है, ये पांच आज्ञा क्या है? जहाँ तक विज्ञान का अनुभव नहीं होता है तो पांच आज्ञा हमको विज्ञान समझने में और संभावी निकाल करने में सहायक होती है। तो ये जो पांच आज्ञा है वो विज्ञान का सेमी भाग है, क्योंकि आम जनता स्पिरिचुअल साइंस को इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और पांच आज्ञा कौन सी है, मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आत्मा हूँ तो पहले रियली व्यू पॉइंट में शुद्ध आत्मा हूँ। रिलेटिवली मैं शरीर हूँ तो पहली आज्ञा है मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं शरीर हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तीसरी आज्ञा है व्यवस्थित शक्ति, यानी पूरी दुनिया को कौन चलाती है, व्यवस्थित शक्ति जिसको हम कहते हैं कुदरती कानून या कुदरती रचना। चौथा आज्ञा है संभावी निकाल करना, और पांचवी आज्ञा है शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना, क्रेडिट। तो ये पांच आज्ञा बताइए, वास्तव में ये अगर आध्यात्म विज्ञान समझ में आ जाता है तो ये आज्ञा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें दो ही बात है, मैं कौन हूँ और दुनिया कौन चलाता है। अगर दो बात समझ में आ गई तो फिर व्यवस्थित संभावी निकाल या तो शुद्धात्मा के खाता वही में जमा करना ये जरूरत नहीं है, मगर आम जनता के लिए पांच आज्ञा बहुत आवश्यक है, धीरे धीरे वो विज्ञान को समझ पाएंगे। तो विज्ञान समझने से पहले ये आज्ञा समझना जरूरी है।
एक बार धीरे धीरे कैसे भी करके आपको विज्ञान समझ में आ गया तो फिर आज्ञा की जरूरत नहीं है, मगर प्राइमरी वो इम्पोर्टेंट है। और दो बात ही समझना है विज्ञान में, मैं कौन हूँ, तो मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और तमाम प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ, और मेरे अलावा जो कुछ भी है मन वचन काया सहित और उनकी अवस्था सहित वो पूरी कुदरती रचना है, यही समझना है। अगर ये दूरदृष्टि पक्की हो गई, साइंटिफिकली समझ में आ गई, तो बाकी और कुछ बातें समझने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अनुभव में आ जाएगी। तो समय की मर्यादा के अधीन मैंने जो आपको बताने की कोशिश किया है वो आगे भी बताता रहूंगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी समझ को खुला करने के लिए। श्रोतागण, ये पूरा एपिसोड ज्ञान से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त होता है तभी हमारे व्यवहार जगत में उसका सॉल्यूशन आता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है और ज्ञान तो व्यवहार जगत में भी चाहिए और निश्चय जगत में भी चाहिए। तो स्वामी जी हमारे को व्यवहार और निश्चय का समन्वय करके ज्ञान देके ज्ञान की एप्लीकेशन जो है वो अध्यात्म विज्ञान नई दृष्टि नई खोज के माध्यम से हमको, यानी ये समन्वयवादी हैं, ये एकांतवादी नहीं है, ये शादवादी या अनेकांतवादी है, समन्वय करके बताते हैं। और समन्वय ही इस सृष्टि का नियम है, समन्वय ही सृष्टि का समाधान है। तो भाई और बहनों, श्रोतागण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी जो भी जिज्ञासा है हमारे पीछे, जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। हर समस्या का समाधान स्वामी जी के मुखारविंद से आपको मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। श्रोतागण आपसे बहुत संतुष्ट है और आपको कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं कि हमारा वो भाग्य है कि ऐसे आत्मविज्ञानी ऐसी बातों को, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से खुला कर, मैं कौन हूँ और इस सृष्टि का संचालक कौन है, ये दो बातों में सारा समाहित कर रहे हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान नई दृष्टि नई खोज, अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 24 न्यूज प्लस पर। संपर्क सूत्र हितेश भाई 9825097994, प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ 9829650702।